Okay, first of all, welcome to our studio. A national award jury, you guys are coming back with Pink. Tell us something about your collaboration when you guys started the company and how does it goes up with a commercial movie, then you started movies. So how does it all journey start? तो दोस्त ऐसा है कि हम लोग किसी कमर्शियल वेंचर के लिए कभी साथ में नहीं आए थे। हम लोग सदा साथ में काम करते हैं, अच्छा क्रिएटिव काम करते हैं, नहीं कोई अच्छा कंपनी खोलेंगे ऐसे सोच के हम लोग बिल्कुल यहाँ नहीं आए थे। हम लोग एक दूसरे को दिल्ली से जानते हैं। दिल्ली में मैं ऐड फिल्म करता था, सो वहाँ से हम दोनों मिलके साथ साथ बॉम्बे चले आए। मतलब आने के बाद फिर यहाँ काम शुरू किया हमने, तो अच्छे अच्छे फिल्म करते रहे, इंटरेस्टिंग फिल्म जिसमें हम लोगों को लगे कि हमको भी मज़ा है प्रोसेस में काम करने का। सो हमने ये सोच के कभी काम नहीं किया कि अच्छा इस फिल्म से ये होगा, इस फिल्म से वो होगा। नहीं, एक अच्छी कहानी है, इसको कितनी अच्छी तरह से बोल सकते हैं। सो दैट्स हाउ दिस आवर होल एसोसिएशन स्टार्टेड। व्हाट वाज दैट वन थिंग यू जस्ट सो सॉरी आवर हिट्स चुन पे चलिए स्टार्ट ना। Okay. Ron, what is that one thing which you really inspired with to make Pink? What is that spark you feel about the movie that makes you produce the film? It's you guys both especially. See, the first idea came to us in somewhere around 2012 or 13 by the director Aniruddha, and I think it was the idea he wanted to make a Bengali film. इट लाइट विद अस फॉर क्वाइट सम टाइम। तो बात कर रहे थे क्या करना है इसका। तो पहला चीज़ होता है बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि ये 2 घंटा होगा कि नहीं होगा ये फिल्म। एंड एक बार हुआ, देन वी डिसाइडेड कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट है आज के टाइम के लिए। सो देन वाई डोंट वी मेक इट। सो देन द मेजर डिसीजन दैट वी वुड टोक वाज लेट्स मेक अ हिंदी फिल्म आउट ऑफ इट, नॉट अ रीजनल फिल्म बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ नेशनल इशू। एंड उसके बाद देन इट वी पुट द सिटी टू दिल्ली। एंड आई थिंक जैसे आप बताए सब्जेक्ट बहुत ही रेलेवेंट है, एंड दैट्स व्हाट रियली एक्साइटेड कि ये करना चाहिए एज अ फिल्म। सी इट इज़ जैसे ट्रेलर देखा है आपने पिंक का, ट्रेलर इट्स वेरी हार्ड हिटिंग ट्रेलर। सो जब ये वन लाइन एक इंसिडेंट नरेट किया था हमको टू, उसके बाद हमको लगा नहीं इससे इट्स शुड बी अ नेशनल फिल्म, इसमें हिंदी में। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया और मुझे लगा कि दिस इज़ अ वेरी एप्ट फिल्म फ्रॉम दिल्ली। तो इस फिल्म को हमने दिल्ली में प्लेस किया बिकॉज मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, मेरे हर फिल्म में दिल्ली हुआ है कहीं ना कहीं। ये भी दिल्ली में रह चुके हैं, दिल्ली के कैरेक्टर्स मेरे को मालूम है, दिल्ली की लैंग्वेज हमको मालूम है। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड कि इस फिल्म को इसीलिए करना ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डिबेट है जिसको मुझे लगता है छेड़ना चाहिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है हमारे जनरेशन के लिए, आई फील दिस इज। सो दैट्स हाउ हम दोनों ने कूद पड़े कि इसको फिल्म बनाते हैं, इसको बंगाली में करते हैं, इसको हिंदी और इसको दिल्ली में प्लेस करते हैं। और तो उसी वक्त हमने ये जो डायरेक्टर हैं डेब्यूटेंट अनिरुद्ध रॉय चौधरी, उनको हमने कहा कि आप इसको हिंदी में करते हैं, आप यू डू। वो भी बहुत दिन से हिंदी फिल्म करना चाह रहे थे, तो उनको हमने फिर बोला इसको हिंदी फिल्म में बनाते हैं। आप लोग की प्रोडक्शन में शुरुआत की विकी डोनर से, देन फिर कमिंग बैक विद अ हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट लाइक मद्रास कैफे, देन व्हेन वंस अगेन अ फैमिली एंटरटेनमेंट लाइक पीकू, एंड दिस इज समथिंग आउट एंड आउट कंप्लीटली चेंज ओवर फॉर द प्रोडक्शन हाउस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो व्हाट एनकरेजेस यू लव, इज दैट अ स्टोरी or the screenplay you guys see? We the good thing is that we want to tell stories which have always been out of the box, conventional नहीं है। ऐसी कोई इस कहानी नहीं बोल देते हैं, हर कहानी के पीछे कोई एक moral value होता है। अगर आप बचपन में कोई स्टोरी पढ़ा होगा, आपने अपने स्कूल में अगर आपने पढ़ा होगा या कोई भी अगर पढ़ता है, स्टोरी पढ़ने के बाद सबसे पहला जो टीचर है पूछता है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, है कि नहीं? कोई भी स्टोरी का एक मोरल होता है। तो इसलिए हर फिल्म, हर कहानी का एक मोरल होना चाहिए। ऐसी माइंडलेस कहानी बना के तो फ़ायदा नहीं है। सो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होता है कि क्या ये स्क्रिप्ट 2 घंटे हम एक ऑडियंस को बिठा के एंगेज कर सकते हैं, नंबर वन पहला, क्योंकि आइडिया तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो बहुत हो सकता है, बट क्या वो 2 घंटे की फिल्म बन सकती है क्या? तो देन वी वर्क ऑन द आइडिया। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई रेडीमेड स्क्रिप्ट कभी नहीं लेते हैं, हम लोग खुद ऑल आइडियाज़ में ए से लेके बी तक खुद बैठ के हम लोग काम करते हैं। सो वो हमारे लिए फ़ायदा है कि वो प्रोसेस में हम देखते रहते हैं एक एक चीज़, एक एक सीन बनते हुए, एक एक हम लोग मैं एक्टिंग भी करने लगता हूँ कभी कभी, सीन्स करने लगते हैं, राइटर हमारे साथ बैठते हैं। तो इट्स लाइक अ वेरी एक कोलैबोरेशन की तरह वो बनते 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 पकते पकते होता है। सो यस, आप कह सकते हैं ये एक आपका एक विजन लगता है, आप किस तरह के इंसान हैं, आप कैसे बोलते हैं कि इस फिल्म को बनाते हैं, चलो कैसे आइडिया में डिपेंड कर। सो आई थिंक ये आपकी अपनी आप किस तरह के आदमी हैं, किस तरह के आप दोस्त हैं आपके, किस तरह के लोगों को आप जानते हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, इस पर डिपेंड करता है। आई थिंक ये आपका अपना रिफ्लेक्शन है, आपकी फिल्म इज योर रिफ्लेक्शन, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, और आप क्या सोसाइटी के देखते हैं एज ए रिफ्लेक्शन, तो उसका भी एक इफेक्ट होता है। He is one of the best director in our industry. So even does that help you guys make to select some kind of script more? Absolutely, absolutely. I mean, as a creative person, I mean, there's no one better than him, I feel. And a deep understanding of the subjects, जिस तरीके के हम लोग subjects हैं, as he said कि हम लोग who all we meet and what are, so we all come from a very similar kind of background. We both come from forces background. and the kind of people and we've traveled across country कि हम लोग ये नहीं है कि सिर्फ जुहू में ही हैं, तो our stories will get limited to only Juhu. We've traveled all over. So there are so many stories which are there. Yeah. So और दूसरा जो है कि creatively इसको देखना ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि अभी तो जिम्मेवारी भी हो गई है ना थोड़ी सी, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्ट भी तो होता नहीं लगेगा, एक्सपेक्टेशन भी है हमारे, हमसे उम्मीद भी है कि सो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है इसको करने के लिए। जो रोनी ने कहा ना एक और चीज़, अभी तूने यू सेड व्हाट अनदर थिंग वाज द आई फॉरगॉट भूल गया ट्रैवल्ड अ लॉट। हाँ, वो जो 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 ट्रैवल है, जो कहानियाँ हैं कि मैं लोगों को अगर सेम कहानी रोज़ सुनाऊंगा तो वो तो भाग जाएंगे ना, वो तो बोलेंगे क्या मत सुनाओ यार, हमने सुन चुके हैं, एक ही खाना तो रोज नहीं सकता मतलब लोगों को। सो हमको डिफरेंट तरह के स्टोरीज जो डिफरेंट लेवल में हैं जो हमको टच करे तभी तो आप दूसरे आदमी को टच करेगा। और हर फिल्म को एक अलग तरीके से ट्रीट भी करना होता है, हर सब्जेक्ट को एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। विकी डोनर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दे पे था, बट उसका ट्रीटमेंट था विद अ डोज ऑफ सिचुएशनल लाइट हार्टेडनेस। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे बच्चों को आप जब मेडिसिन देते हो तो हमेशा शुगर कोटेड होता है, सो इट्स लाइक दैट। सो कुछ फिल्म होती है जैसे ये है, इसमें आपको एक थ्रिलिंग एलिमेंट चाहिए टू टेल दिस स्टोरी। और हाँ, जैसे इस फिल्म में पिंक में आपको मतलब बहुत ही हार्ड हिटिंग से मतलब स्टोरी कहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अननेसेसरी घुमाने की कोई बात नहीं हुई, स्ट्रेट मुद्दे पे बात किया है, जो ट्रेलर आपको बोलता है स्ट्रेट दिखता है। एक किसी एक लड़की को आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर सीधा पूछते हो कि आर यू अ वर्जिन, और आप सीधा उसको बोलते हो यू आर ए वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर, तो आप किसी को कैसे कैसे बोल सकते हो। लेकिन ये टाइम आ गया है इसको बात करने के लिए। ओके, बट सर देयर इज अ क्वेश्चन अराइजिंग विद दैट व्हाई नॉट सुजीत सरकार डिड द मूवी। देखिए जैसे मैंने कहा कि मेरे बहुत मैं दोस्तों के साथ काम करता हूं। अनिरुद्ध वांटेड टू मेक एन हिंदी फिल्म, सो हमने कहा कि आप हिंदी फिल्म बनाओ इसको, एंड मैं क्रिएटिवली इस फिल्म में पूरा पूरा इन्वॉल्व था। हर डिपार्टमेंट में रोनी को मालूम है, एवरी डिपार्टमेंट में एवरी चीज़ में मैं इन्वॉल्व रहता था। दोस्त है अनिरुद्ध रॉय चौधरी, इसीलिए वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, क्योंकि देखिए एक अच्छा काम करने के लिए डिस्कशन से, एक अच्छे माहौल से बातचीत करते हुए, इसमें ये नहीं है कि मैं राइट हूँ या तुम राइट हो, इसमें यह है कि ये फिल्म जितना मेरा है उतना तुम्हारा है, उतना इसका है, उतना मिस्टर बच्चन साहब का है, उतना लड़कियों का है, सबका हिस्सा है फिल्म। क्योंकि फिल्म जो है वो हम सबसे ऊपर में है, फिल्म की इज्जत अलग होती है, वो मेरे से भी ऊपर है, डायरेक्टर से भी ऊपर है, एक्टर से भी ऊपर है। सो फिल्म की भलाई के लिए जो भी होगा हम करेंगे, अगर उसमें हम लोग बैठ के डिस्कशन करना हो, डिबेट करना हो, करेंगे, लेकिन सामने वाला भी वैसे भी होना चाहिए। तो आई थिंक वो मन तो करता है कभी हाँ डायरेक्ट करो कि यू नो इस तरह की फिल्म को बनाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने फिल्म में बहुत मेहनत करता हूँ और इस फिल्म में कम मेहनत करूँगा, ऐसा नहीं है। रैदर मैं इस फिल्म में डबल मेहनत करूँगा, ऐसा भी किया है मैंने। हम लोगों ने लास्ट क्योंकि 5-6 महीने से कुछ नहीं किया, हमने ओनली इसी में बिजी रहे, क्योंकि फिल्म एज ही सेड हमारा भी उतना ही है एंड हम लोग का भी नाम इसके साथ जा रहा है। तो तब हम बाद में कुछ ख़राब हो तो ये नहीं कह सकते नहीं हम तो थे नहीं इन्वॉल्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही है हमारा, क्योंकि हमारा नाम जा रहा है। जस्ट नाउ ही सेड कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ स्टफ बिफोर। एग्जैक्टली। और ऊपर से एक और जो जिम्मेवारी है इस फिल्म में जो स्पेशली है, इतने सारे नए एक्टर जस्ट जब उनको स्क्रिप्ट मिला भी नहीं था ठीक से, जस्ट आइडिया सुन के यस बोल दिया। और मिस्टर बच्चन 5 मिनट का नरेशन सुना और उन्होंने यस बोल दिया था फिल्म को। जस्ट यस मिस्टर बच्चन केम ऑन। सो हम लोग सोच रहे थे किसको कास्टिंग करेंगे इस लॉयर के रूम में, किसी यंग को लेंगे, किसी ओल्ड को लेंगे, किसी मिड एज को लेंगे। सो ऐसे करते करते तब पीकू ख़त्म हुई थी, मतलब जस्ट हो गया था ओवर। तब हम सोच रहे थे। सो एक दिन ऐसे ही बैठ के स्क्रिप्ट डिस्कशन कर रहे थे, स्टोरी बना रहे थे हम लोग, तो उसमें याद आया, मैं सोचा कि क्यों ना मिस्टर बच्चन को आइडिया सुना है। तो इसने बोला कि हाँ सुनाओ ना, वाई डोंट यू सेंड मी SMS। तो मैंने उनको SMS भेज दिया कि सर आई एम कमिंग टू यू एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म एंड आई समहाउ फील यू शुड बी पार्ट ऑफ इट। तो उनको ऐसे ही पहले ही बोल दिया मैंने। और फिर उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ मिल ले, फिर मिले और उन्होंने 5 मिनट का नरेशन सुना। और देखिए वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर हैं और बहुत ही डिफरेंट तरह के फिल्म कर चुके हैं, तो उन्होंने सीधा बोला कि चलो शूट करते हैं, स्क्रिप्ट कहाँ है। सो हमको तब लगा कि एक इतने बड़े महान लेजेंड मतलब जो है हमको 5 मिनट के नरेशन पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो हमको भी तो उल्टा ट्रस्ट उन पे उनको देना पड़ेगा ना, मतलब कि नहीं सर वी आर देयर टू लुक आफ्टर द प्रोजेक्ट। एंड दैट्स हाउ मिस्टर बच्चन की कास्टिंग भी हुई और उनकी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही थी। How was the whole three girls casting happening? Was it tough for you guys to put it on board then? Casting was not tough. Tough was writing about the girls. कि कैसे conceive करें इस characters को, जो राइटिंग है। सो ये मैंने क्रेडिट जो है मेरे राइटर रितेश शाह जो हैं उन पे बिल्कुल जाता है कि वो आई थिंक वो मेरे इस फिल्म के हीरो हैं, रियल हीरो हैं, वो स्पाइन है इस फिल्म के जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट को लिखा है। और सो डिफ़िकल्ट था तो इन कैरेक्टर को डिफाइन करना कि एक वर्किंग लड़की दिल्ली में कैसे होते हैं और कैसे दिल्ली में किस मतलब यू नो एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं, एक लॉयर एक सेशन कोर्ट में क्या करता है, वो सब चीज़ें डिज़ाइन करना बहुत डिफिकल्ट था। तापसी के साथ हम पहले फिल्म कर चुके थे running तो रॉनी का आइडिया था कि ये तापसी को क्यों ले सकते हैं इस मीनल अरोरा के कैरेक्टर में। एंड मुझे इमीडिएटली लगा एब्सोल्युटली वेरी गुड आइडिया एंड मैं तो एग्री कर गया। मैंने अनिरुद्ध को बोला प्लीज़ टेक दिस गर्ल, शी इज़ वेरी गुड। एंड अनिरुद्ध को भी बहुत अच्छा लगा। देन हमने कास्टिंग किया है दिस गर्ल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आंद्रिया। ये जो लड़की है, नॉर्मली आप फिल्म में नॉर्थ ईस्ट लड़की को नहीं देखेंगे किसी फिल्म में कास्टिंग कर, मतलब द मेन रोल। तो हमको लगा नहीं नॉर्थ ईस्ट इज एन, हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को मतलब की जो से कास्टिंग भी करता ही नहीं है नॉर्मली। और इस फिल्म में इतना इम्पोर्टेंट एक वर्किंग वुमन को दिखा रहे हैं दिल्ली में, और वहाँ नॉर्थ ईस्ट की लड़की तो हर समय होनी चाहिए। वो आती हैं, रॉनी इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, रॉनी खुद नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो इनको नॉर्थ ईस्ट के मतलब जो बेसिक फीलिंग्स होती हैं एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के को लड़की को क्या लगता है, वो इनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और इन्होंने फिर इन्हीं को ढूंढ निकाला, आंद्रिया को इन्हीं के दोस्त के कोई टीचर के डॉटर बेटी है तो उनको निकाला। कीर्ति को हम पहले से ही जानते थे, यू नो कीर्ति के साथ मैं कहते इनको कास्टिंग है। इनका पहला ऑडिशन देखा तो तीन लड़कियाँ जो है हमारी फिल्म की मेन बैकबोन है, मेन प्रोटैगनिस्ट है। और फिर अंगद को हमने पहली बार ऑडिशन में देखा और पहली बार ही हमको पसंद आ गया। सो इसी तरह से ये कास्टिंग हुआ है। कास्टिंग आप कह सकते हैं। फिर पीयूष मिश्रा मेरे स्कूल के थिएटर के दोस्त हैं, थिएटर में हम लोग साथ थे। सो पूरा जो एनवायरनमेंट है आप कह सकते हैं कि एक, मैं पहले भी बोला था इसको, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लगता है 11 मेंबर की एक क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, जो स्पिनर भी है मतलब हिटर भी है और टेल, सबने एवरीबडी परफॉर्म्ड सो वेल कि यू नो बहुत रेयर होता है एक मैच में हर आदमी सारे मतलब हर मेंबर परफॉर्म करते हैं। क्रिकेट में अगर लेते तो हर बार हो जाता कि कोहली बना रहा है रन, बाकी आसपास कोई नहीं है। आप मुझे सोच सकते हैं कि मैं इस टीम का कोच हूँ। सो मैं कोच की तरह इस फिल्म में था बस। और इसमें एक और एड ऑन हो गया है रेयर में, you guys picked up 10 national award. You means your production house, Shoojit sir. Then we have Shantanu is there. Mr. Bachchan is there. Obik the jo cameraman hai. So is it a coincidence or? It's a coincidence. ये हमने सोच के नहीं किया था। एक दिन ऐसे सेट पे एक दिन डिस्कशन हो रहा था। I think रॉनी बताएंगे, रॉनी ऐसी जनरल डिस्कशन हो रहा था कि अच्छा वो I think पीकू का नेशनल अवार्ड का लेके ही था मिस्टर बच्चन को जो मिला, तो तब ऐसे बात हो रही थी। तो फिर अनिरुद्ध जो है उनको 2 अवार्ड मिले, मेरे को भी 2 मिला है, फिर हमने कहा हमें भी मिला है, सुविधा को भी मिला है विकी डोनर पे। उसके बाद अभिज्ञा से बात हो रही थी, उन्होंने बोला मुझे 3 मिले हैं। तो ऐसे करते करते देखा इतने सारे अवार्ड मिला, तो बाई चांस कोइंसिडेंस हुआ। तो आई थिंक या बट वी आर हैप्पी दैट आई एम फॉर्चुनेट दैट इतने सारे नेशनल अवार्ड एक साथ एक फिल्म में काम कर। एंड आई गेस दिस इज गोना बी अ रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड। मुझे वो तो मालूम है, सो इट वाज अ नाइस स्टोरी, इसलिए वो आया कि सीरियसली या अच्छा स्टोरी था। सो पीपल सेड कि दिस इज स्टोरी एंड द थिंग इज दिस होल इमेज दैट वी गॉट वाज वी सेड कि आज तक हमेशा क्या होता है, कोई भी फिल्म जब करते हो आप कुछ ना कुछ स्टोरीज होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो किसी ने कभी देखा है जो साउंड डिज़ाइनर जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं वो कभी बॉम्बे टाइम्स में फर्स्ट पेज में आते हैं। आई थिंक वी थॉट कि आई मीन वी आर टेक्निकल पीपल एंड वी वुड लव टू रिस्पेक्ट दीस पीपल, कभी सामने नहीं आते, नहीं आते हैं कोई मिक्सिंग करता है वो कभी नहीं आते हैं। सो हम चाहते थे, मिस्टर बच्चन को बोला सर टेक्नीशियंस इतने सारे नेशनल अवार्ड्स जो हैं एक साथ हैं, तो आई थिंक क्या मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक इट्स क्वाइट फन। Okay, apart from the means commercial cinema or talking about Bollywood, are you guys planning for a regional or something kind of different genre of movies under your production maybe in future? Yeah, future में सोच रहे हैं। See, we've already done, हमने 2 बंगाली फीचर फिल्म्स पहले बनाए हैं, एक तमिल फिल्म किया हमने। So already हमने रीजनल फिल्म किया है, हमने एक स्टूडेंट्स को शॉर्ट फिल्म के लिए असमीज और नॉर्थ ईस्ट में फिल्म था उसके लिए सपोर्ट किया है। So हमने रीजनल फिल्म तो बिल्कुल करेंगे, वो तो हमारे एजेंडा में है। Even we are seeing nowadays films are coming on other different languages, whether Tamil, Telugu, Marathi, and we have seen this with Angad. They are promoting different. Are you guys planning to do this with the same with the Pink? I guess the film should reach to the maximum people. Yeah. It's my personal. No. I think yeah. सोच बिल्कुल रहे और अभी आपने जैसा बोला है तो और ज़्यादा सोचेंगे हम जाके, right? लेकिन yes, ये तो कार्ड में है, बट हम एक साथ नहीं रिलीज़ करने का सोच रहे थे, हम डेफर्ड रिलीज़ करने का सोच रहे हैं। सो उसके लिए अभी डिस्कशन हम लोग करेंगे ज़रूर एंड देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, द फिल्म फर्स्ट शेड्यूल यू स्टार्टेड ऑन वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो I read somewhere. So is that a coincidence or was that coincidence? Everything is a coincidence, absolutely. कोई हम ऐसा कुछ सोच के प्लान ऐसे वाले नहीं करते। हम ऐसे उस पे विश्वास, हमारी उस एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं है कि उसके साथ मैच कर देंगे तो ये होगा, ये नाम रख देंगे तो वो होगा, नहीं बिल्कुल नहीं है। मैं उस एस्ट्रोलॉजी में विश्वास ही नहीं करता हूँ। सो मैं विश्वास करता हूँ शेड्यूल बना काम करो और काम कैसे भी हो, कैसे मोमेंट भी है वो ठीक ना ठीक कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं जो लोग अगर अच्छा लगेगा वो ज़रूर देखेंगे। And are you guys satisfied the whole product which comes out finally and gonna be released soon? So are you guys satisfied with the product? Oh yes, मतलब ये हमारा ही product satisfying, very proud कि हम ऐसे फिल्म में हमने participate किया है, हम लोग हैं इस फिल्म के मतलब पीछे हैं हम लोग, so we are really privileged and proud actually.